कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अन अकेडमी के हेलो टीचर्स पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ जनरल साइंस की क्लास लेकर। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे सेशन को। सभी बच्चे लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण और शानदार प्रश्नों को। दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं, आज हमारा टॉपिक है एनिमल किंगडम, और आज हम लोग एनिमल किंगडम से रिलेटेड सवाल को करने वाले हैं। तो सभी बच्चे एक बार जुड़ जाइएगा। ये मेरा इंट्रोडक्शन है, आप हम अनअकैडमी के ऐप पर फॉलो कर लेंगे ताकि मेरी क्लासेस मिलेगी आपको अनअकैडमी के ऐप पर कितने बजे, @1 PM, जिसमें हम लोग देखते हैं जीएस के महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सवाल को। दोस्तों, इसके बाद की बात करें तो आप हमारे प्लस कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। अभी सुपर टेट का प्लस कोर्स लॉन्च हुआ है। इसके बाद अभी TGT नेचुरल साइंस या TGT बायोलॉजी का प्लस कोर्स आ रहा है, जिसमें ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। ये सभी प्लस का फीचर्स है, आप इसे देख सकते हैं, है ना। इसमें आपको प्लस के फीचर्स मिलते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद आप अपना गोल टीचिंग एग्जाम, अगर आप में टीचिंग एग्जाम में अगर आप CTET UPTET STET अगर आपका इसका प्रिपरेशन करा, तब अपना गोल ये सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं और उसमें आप यहाँ पर ये कोड यूज़ कर 10% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। अगर आप DSSB PRT 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कल से बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें ये फैकल्टीज आपको गाइड कर रहे हैं, है ना। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, DSSB और सुपर टेट KVS NVS या फिर TGT, ये गोल सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको ये कोड यूज करना है। इस कोड को यूज करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। चलिए, तो आप याद रखेंगे एक बग्स बाउंटी कॉन्टेस्ट है, जिसमें अगर आपको किसी वीडियो में इनअप्रोप्रिएट कंटेंट मिलता है तो अगर अगर आप उसे रिपोर्ट करते हैं तो आपको प्राइज दिया जा सकता है अनअकैडमी की तरफ से। तो चलिए, सभी बच्चे जुड़ चुके हैं। कैन आई स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। सेशन को सभी लोग शेयर भी कर दीजिएगा। हाँ जी, कल भी जीएस होगा प्रीति जी। कल आपकी ना, कल 11 बजे, याद रखिएगा, टुमारो एट 11 AM TGT साइंस वालों का प्रैक्टिस सेट होगा। TGT साइंस वालों का कल 11 बजे प्रैक्टिस टेस्ट होगा, ये बच्चे याद रखेंगे। TGT साइंस वाले जितने भी बच्चे हैं, कल 11 बजे उनका प्रैक्टिस टेस्ट होगा। और परसों 1 बजे, परसों @1 PM यूट्यूब पर ही उनका प्रैक्टिस टेस्ट होगा। यूट्यूब पर 1 बजे साइंस वालों का प्रैक्टिस टेस्ट होगा परसों, और कल होगा 11 बजे TGT साइंस वालों का, ठीक है। चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, टर्टल्स आर, जो टर्टल होते हैं वो क्या होते हैं। पहला प्रश्न, और पहला ही प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आप लोग उत्तर दीजिएगा कि टर्टल जो होते हैं वो क्या होते हैं। ऑर्थ्रोपोड्स होते हैं, पाइसेस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, या फिर मॉलस्क होते हैं। एनिमल किंगडम का हम लोग देख रहे हैं अभी क्लासिफिकेशन। कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सेशन को आप लोग सभी बच्चे शेयर भी करते रहिए। टर्टल की जब बात करते हैं दोस्तों, टर्टल का मतलब क्या है, कछुआ, है ना। और ये दोस्तों किस कैटेगरी में आते हैं, तो याद रखिएगा, ये आते हैं रेप्टाइल्स की कैटेगरी, ठीक है। ये किस में आते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं। और ये प्रश्न मेरा है कि टर्टल का जो दोस्तों पीठ होता है, बैक होता है, इस पर कौन सा जीव मिलता है, बताइए। टर्टल का जो बैक होता है उस पर क्या पाया जाता है। हाँ जी, बताएं, बहुत बढ़िया। टर्टल के पीठ पर क्या मिलता है। हाँ जी, कौन सा, सैवाल। अब थोड़ा सा मैंने स्पेसिफिक कर दिया है, कौन सा सैवाल मिलता है यह आपको बताना है। अरे वो तो ठीक है, सैवाल मिलेगा, लेकिन कौन सा सैवाल मिलता है, मेरा प्रश्न ये है। विच एल्गी इज फाउंड ऑन द बैक ऑफ टर्टल, नाम क्या है उस एल्गी का, ये बताइए। हाँ, भितरकनिका जो आपका नेशनल पार्क है, दैट इज इन उड़ीसा, इट इज फेमस फॉर ऑलिव टर्टल। बिल्कुल सही बता रहे हैं। और याद रखिएगा, इस टर्टल का नाम क्या है, ल्यूकोडर्मा, है ना, ल्यूकोडर्मा, है ना, याद रखिएगा, ल्यूकोडर्मा।
नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पेयर। यहां पर आपको करेक्ट पेयर क्या करना है, आपको चूज करना है हिप्पोकैम्पस 3 chambered hart, राना 2 chambered hart, क्रोकोडाइलस 4 chambered hart एंड पेवो 3 chambered hart। कौन सा करेक्ट है यह आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और सेशन को आप लोग शेयर भी करिए, सभी बच्चे सेशन को लाइक भी करें जितने भी बच्चे देख रहे हैं। यहां पर देखिए, जब हम बात करते हैं दोस्तों करेक्ट की, यहां पर हिप्पोकैम्पस क्या है, हिप्पोकैम्पस इज एक्चुअली सी हॉर्स, और सी हॉर्स क्या होता है दोस्तों, ये एक फिश है ना, जिसमें 3 chamber फिश है, तो दोस्तों कितना चैम्बर होगा, 2 chamber होगा। राना है ना, राना यानी, राना का मतलब क्या, यहां पर राना जी नहीं, राना टिग्रिशा, राना टिग्रिशा का मतलब क्या, किसका साइंटिफिक नाम है राना टिग्रिशा, याद रखिएगा, इट इज साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग, एंड फ्रॉग दोस्तों क्या है, इट इज एम्फीबियन, इसमें कितने चैम्बर, 3 chamber, तो ये भी गलत है। क्रोकोडाइल, ये भी एम्फीबियन है याद रखिएगा, बट एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, इसमें 4 chambered hart होता है, दैट इज करेक्ट। एंड पैवो मतलब क्या है, यहां पर पैवो क्रिस्टेटस, ठीक है, 3 chambered hart, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल मॉस्किटोज यूजुअली फीड ऑन, यानी जो नर मच्छर होते हैं वो जनरली किस पर फीड करते हैं, गार्बेज पर, कचड़े पर यानी कूड़े पर, ह्यूमन ब्लड मनुष्य के खून पर, फ्लावर सैप फल के मतलब फूलों के मकरंद पर, या ऑल ऑफ द अबव, इन सभी पर उत्तर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मॉस्किटोज, तो याद रखिएगा, मेल मॉस्किटोज फीड ऑन फ्लावर सैप, यानी कि जो फूलों का जो मकरंद होता है इस पर वो निर्भर करते हैं। ह्यूमन ब्लड या एनिमल ब्लड, इस पर कौन सी मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो, लाइक फीमेल एनोफिलीज, लाइक एडीज है ना, एडीज जो होती है वो भी फीमेल मॉस्किटो है ना, तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन सी। और फ्लावर की बात करते हैं, फ्लावर की स्टडी आपको पता होगा, इसकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एंथोलॉजी, ठीक है। ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं, आप लोगों को पता है, हेमेटोलॉजी। ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4। ब्लड की वॉल्यूम कितनी होती है, 5 to 6 liter, ये देख सकते हैं आप चित्र में, देखिए ये देखिए, ये है मेल मॉस्किटो है ना, बेचारे के अंदर खून की कमी है पूरी, देख रहे हैं, क्योंकि ये खून पीते ही नहीं है ना, ये क्या है, ये फ्लावर, फ्लावर पर देख रहे हैं, इसका जो ये नेक्टर है इस पर, यह फ्लावर सैप है, इस पर क्या कर रहा है, अपने फूड के लिए ये निर्भर है, फीड कर रहा है यहां से। हाँ, लेकिन ये देखिए, फीमेल मॉस्किटो ये क्या है, एनिमल या जो आपके मतलब ह्यूमन होते हैं उनके मतलब ब्लड पर क्या करते हैं, ये फीड करते हैं अपने फूड के लिए, इस चीज को भी आप याद रखेंगे, क्लियर है पॉइंट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहां तक सभी को क्लियर है ना, हाँ जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लास हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स, यानी कि इसमें किस वर्ग में सबसे ज्यादा संख्या है जानवरों की, किस वर्ग में सबसे ज्यादा संख्या है जानवरों की, ये बताइए, बताएं, फिशेस, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स और मैमल्स, सबसे ज्यादा संख्या जानवरों की किसमें होती है, तो याद रखिएगा, एनिमल का सबसे लार्जेस्ट किंगडम कौन सा है, ऑर्थ्रोपोडा, और ऑर्थ्रोपोडा में सबसे ज्यादा क्या है भैया, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स की स्टडी को क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी, क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी, तो सही उत्तर क्या है इसका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल, रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन, रेडियल सिमेट्री इनमें से किस में मिलती है, सेलेंट्रेटा एंड प्लेटी हेलमेंथस, सेलेंट्रेटा एंड इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, या फिर पॉरीफेरा एंड सेलेंट्रेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सवाल। कहा जा रहा है कि रेडियल सिमेट्री किस में पाई जाती है, बताइए वंदना जी, आप वहां जो अनअकैडमी का ऐप है ना, अनअकैडमी के ऐप में आपका हेल्प करके बटन होता है, वहां पर आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है वंदना जी। चलिए
जब बात करते हैं दोस्तों इस सवाल के, याद रखिएगा रेडियल सिमेट्री जो इसमें से मिलता है, दो तरह की सिमेट्री होती है, एक होती है रेडियल सिमेट्री, एक होती है बायलैटरल सिमेट्री। ये क्या होती है ना, इस दोनों की अभी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये जो रेडियल सिमेट्री है ये किसमें मिलता है, एक तो सोलेंट्रेटा और दूसरा इकाइनोडर्मेटा, है ना। इनके अंदर कैसी सिमेट्री मिलती है, रेडियल सिमेट्री मिलती है। यहां पर देखिए एग्जाम्पल में दिखा रहा हूं आपको, यहां पर देखिए ये जो होता है ना ये आपका रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या, आप ऐसे बीच से वो करोगे तो आपका क्या होगा, बिल्कुल एक जैसा वो क्या होगा, आपका सेपरेट होगा। ये जैसे आप देख सकते हैं ये दिस वन, ये जो है आपका ये कैसा सिमेट्री है, दिस इज बायलैटरल सिमेट्री, है ना। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब द्विपक्षीय समानता होती है, ठीक है, कि आप बीच से ऐसे काट दोगे दोनों तरफ जो होगा आपका वो सेम होगा। और रेडियल सिमेट्री का मतलब ऐसे रेडियली आप वो करोगे तो क्या होगा, दोनों तरफ आपका सेम होगा, कहीं से भी आप रेडियली वो कर दो इक्वल वो होगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया ये चीज, हाँ जी सभी बच्चों को समझ में आ गया। हाँ प्लेटी हेलमेंथिस जो होते हैं उनमें बायलैटरल होता है ना, पॉरीफेरा जो होता है उनमें भी बायलैटरल, ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा मोलस्का इनमें भी बायलैटरल होगा, है ना। चलिए फ्लैम सेल्स आर द एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर्स फॉर, यानी जो फ्लैम सेल है इनमें से किसका उत्सर्जी अंग है ना। फ्लैम सेल्स किसके उत्सर्जी अंग है, एनालिडा का है, सेलेंट्रेटा का है, प्लेटी हेलमेंथिस का है, या फिर इकाइनोडर्मेटा का है। इजी क्वेश्चन, अगेन आसान प्रश्न है। चलिए जब बात करते हैं दोस्तों इस सवाल की, तो याद रखिएगा फ्लैम सेल्स जो होते हैं ये किसके एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स होते हैं, प्लेटी हेलमेंथिस, तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी। यहां पर ये देखिए ये स्ट्रक्चर देखिएगा थोड़ा ध्यान से, यहां पर देखिए इनका जो ये एक्सक्रेटरी ऑर्गन है ना, ये यहां पर ये एक्सक्रेटरी ऑर्गन ये क्या होता है, यहां पर ये देख सकते हैं दिस वन, ये जो है फ्लैम सेल ये क्या होता है, इसका एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है क्या, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है यहां तक, सेशन को दोस्तों शेयर भी करते रहिए आप लोग, है ना, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे सेशन को लाइक भी करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर, करेक्ट पेयर को सेलेक्ट कीजिए, करेक्ट पेयर को सेलेक्ट कीजिए। बिल्कुल जो प्लेटी हेलमेंथिस जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन होता है नमिता जी, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए इस सवाल की जब बात करते हैं ध्यान से समझिएगा, यहां पर जो सिल्वर फिश है, इट इज ए फिश, ट्रू फिश और फॉल्स फिश, बिल्कुल पॉरीफेरा, बहुत बढ़िया, फॉल्स फिश। यहां पर जब बात करते हैं ये जो सिल्वर फिश है, सिल्वर फिश ऑर्थ्रोपोडा में आता है क्या, तो बिल्कुल आता है। जेली फिश ये आता है किसमें, पाइसिस में, बिल्कुल करेक्ट है, नहीं ये आपका इनकरेक्ट है, ये भी आपका इनकरेक्ट है, ये भी आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। तो करेक्ट जो है आपका वो है आपका ऑप्शन ए ऑर्थ्रोपोडा। यहां पर ये देखिए आपका सिल्वर फिश है, ये किसमें आता है, एनिमल या ऑर्थ्रोपोडा में आता है, ठीक है, और उसमें भी किसमें आता है, इंसेक्ट्स में आता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है यहां तक, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल, सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेंड फ्रॉम सिल्क मॉथ ड्यूरिंग, ये सिल्क मॉथ है ना, सिल्क मॉथ का डेवलपमेंट हो रहा है। देखिए सिल्क मॉथ उसमें तीन स्टेज होता है, एक होता है एग स्टेज, एक होता है लार्वा स्टेज, एक होता है पुपा स्टेज, और सबसे लास्ट में होता है आपका जो एडल्ट स्टेज होता है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है इन स्टेज में सिल्क का जो थ्रेड है वो कब पता चलता है, सिल्क का थ्रेड हम कहां से प्राप्त करते हैं बताइए। हाँ जी सिल्क का थ्रेड हम लोग कहां से प्राप्त करते हैं, लार्वा या पूपा,
लार्वा स्टेज या प्यूपा स्टेज बताएं। धन्यवाद सौरभ जी। तो याद रखिएगा, यहां पर इसका जो सही उत्तर है ना, जो सिल्क मौत का ये जो प्यूपा है, समझिएगा इस प्यूपा को ध्यान से समझिएगा कैसे निकालते हैं, नॉट लार्वा स्टेज। यहां पर ये जब प्यूपा डेवलप होता है ना, तो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर है लिखा हुआ है ना, तो यहां पर इसको पानी में क्या करते हैं, ऐसे ढालते हैं पानी, गर्म पानी में, और इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर, यहां से ये निकालते हैं कुकुन, और इससे क्या बनता है आपका सिल्क थ्रेड, यहीं से प्राप्त करते हैं। तो यानी कि इसका जो सही उत्तर है दैट इज प्यूपा स्टेज, है ना, क्लियर पॉइंट सभी को समझ में आ गया। तो इसका सही उत्तर क्या है, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है। और सिल्क वॉर्म का जो दोस्तों पालन होता है दैट इज कॉल्ड सेरिकल्चर, क्या बोलते हैं उसे, सेरिकल्चर, ठीक है। तो आपका ये क्रोनोलॉजी भी पूछ देते हैं, तो इस क्रोनोलॉजी को भी याद रखना है आपने, पहले एग स्टेज, फिर लार्वा, फिर आपका प्यूपा, देन फिर आपका, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अगले सवाल पर चलते हैं। इसका ये है, याद रखिएगा, इसका जो उत्तर है दैट इज प्यूपा, है ना, ये वाला। नेक्स्ट, द बुक जेनेरा प्लांटेरम वॉज रिटन बाय, जेनेरा प्लांटेरम नामक किताब किसने लिखी बताइए, जेनेरा प्लांटेरम नामक किताब किसने लिखी है ये आपको बताना है। सेशन को शेयर भी करें, और इतने बच्चे देख रहे हैं तो सभी बच्चे लाइक भी करें सेशन को, है ना, आप लोग लाइक भी करिए। हाँ, जेनेरा प्लांटेरम याद रखिएगा, ये किताब जो लिखी है वो किसने लिखी है, कार्लस लिवियस ने, ए इज द राइट आंसर। जबकि हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम ये किताब किसने लिखी है, दिस रिटन बाय थियोफ्रास्टस, हु इज फादर ऑफ बॉटनी। नेक्स्ट, वेयर इज द बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर है यह आपको बताना है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर है, लखनऊ, दार्जिलिंग, कोलकाता या उटा कैमुंड, है ना। इसका सही उत्तर दोस्तों क्या है, इट्स करेक्ट आंसर इज नॉट लखनऊ। लखनऊ में है क्या, हम लोगों ने कब पढ़ा, लखनऊ में क्या है बताइए, बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में, कोलकाता नॉट लखनऊ, ठीक है, कोलकाता में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये कोलकाता है दोनों, देखो अगला क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म इज द किंगडम एनिमलिया आर, किंगडम एनिमलिया में जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, हाँ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बहुत बढ़िया, इसका आप लोग उत्तर दीजिए इस सवाल का कि किंगडम एनिमलिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है, यह है आपका लखनऊ में। यहां पर नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपसे पूछा गया है ना, तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इट इज इन कोलकाता, जबकि नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इट इज इन लखनऊ, ठीक। एनिमलिया की जब बात करते हैं तो ये दोस्तों कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, और कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉप होते हैं। तो सही उत्तर इसका क्या होगा भाई साहब, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यस और नो, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव इन कॉमन, यहां पर प्लांट और एनिमल में क्या कॉमन है, प्लांट और एनिमल में क्या कॉमन है ये बताइए। बिल्कुल सारिका जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बीएमएस जी बिल्कुल, इंडियन सुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी कहां पर है, इट इज ऑल्सो इन लखनऊ, है ना। यहां पर दोस्तों दोनों के अंदर क्या खासियत है, बोथ आर यूकैरियोट्स, यानी कि दोनों ही यूकैरियोटिक हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज स्पॉन्ज, स्पॉन्ज क्या होते हैं, फॉसिल हैं, प्लांट हैं, एनिमल हैं या फंगस हैं, बताइए इसका सही उत्तर क्या है। स्पॉन्ज क्या होते हैं,
फॉसिल हैं, प्लांट हैं, एनिमल हैं या फिर फंगस हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, जब हम बात करते हैं स्पॉन्ज की, तो स्पॉन्ज आर क्या है ये स्पॉन्ज? तो दे आर एनिमल्स। क्या है ये? एनिमल्स हैं, है ना। फॉसिल्स की बात करते हैं तो इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी कहते हैं। फंगस की बात करते हैं, फंगस की स्टडी को क्या कहते हैं? इसकी स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं, है ना। फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी कौन है? लियोनार्डो द विंसी हैं। यहां पर देखिए, ये है स्पॉन्ज, है ना। क्या ये स्पॉन्ज है? और ये जनरली कहां पर मिलता है? मरीन वाटर। कहां पर? मरीन वाटर में, समुद्री पानी में। आप जब जाओगे ना लक्षद्वीप, है ना, आप जब जाओगे लक्षद्वीप जाओ, अंडमान जाओ, है ना, वहां पर जब आप जाओगे तो आपको वहां पर पानी में बहुत सारा आपको दिखेगा। क्लियर है पॉइंट? बहुत अच्छे वात्सला जी, बिल्कुल। इनका जो फीचर होता है, इसमें क्या मिलता है? कैनाल सिस्टम। बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ रहा है? किसी को यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वही सलाइन वाटर कहिए, मरीन वाटर कहिए, सलाइन वाटर मरीन वाटर बोथ आर सेम, है ना। हाँ, बात स्पॉन्ज जो है वो ये स्पॉन्ज। बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन है। नॉर्मली एनिमल्स कैन चेंज द प्लेस, बट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन नॉट चेंज द प्लेस? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसी तरह लाइक भी करा सेशन को सभी बच्चे, जिन्होंने लाइक नहीं किया है, पता नहीं आप लोगों को लाइक करने में क्या समस्या है। हाँ जी, चलिए इस सवाल की जब बात करते हैं हम लोग, यहां पर याद रखिएगा, जो मूव नहीं कर सकते वो कौन है? तो वो है हाइड्रा। ये देख सकते हैं, ये हाइड्रा है ना, और ये जो है आपका मूव नहीं कर सकते हैं। तो यानी सही उत्तर इसका क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, जो लीच है, ये लीच सांस कहां से लेते हैं? बता सकते हैं लीच जो है ये सांस कहां से लेते हैं? लीच कहां से सांस लेते हैं? बिल्कुल सारिका जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। ज्योति जी, वेरी गुड। लीच जो होता है वो कहां से सांस लेते हैं? वो याद रखिएगा, स्किन से। और जो फॉल्स फीट या स्यूडोपोडिया जिसे कहते हैं, ये किस में पाया जाता है? फॉल्स फीट या स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोड जिसे कहते हैं, ये किस में मिलता है बताइए? फॉल्स फीट। हां जी, तो फॉल्स फिट वो किस में पाया जाता है? दैट इज इन अमीबा, है ना। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू फिश? इसमें से कौन सा एक ट्रू फिश है? इसमें से कौन सा एक ट्रू फिश है? सिल्वर फिश, स्टार फिश, डॉग फिश या सेल फिश? बताइए। हाँ बिल्कुल सारिका जी, बहुत अच्छे। हम लोग जब बात करते हैं दोस्तों यहां पर, तो याद रखिएगा, इट इज फॉल्स फिश, इट इज ऑल्सो फॉल्स फिश, इट इज ऑल्सो फॉल्स फिश, बट ये जो डॉग फिश है ना, ये आपका क्या है? एक ट्रू फिश। ये देखिए, ये जो फिश आपको दिख रहा है यहां पर, ये क्या है आपका? एक फॉल्स, ये आपका क्या है? एक ट्रू फिश है, और इसका नाम क्या है? डॉग। लेकिन जब भी आप मछली को पानी में देखते हो तो वो आपको तल से थोड़ा ऊपर उठाई दिखाई देता है, आपको ये तल से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ये ऐसा प्रकाश के किस गुण के कारण होता है बताइए? ऐसा प्रकाश के किस गुण के कारण होता है ये आपको बताना है। बिल्कुल, इसी का नाम है स्कॉल्डियन, है ना, स्कॉल्डियन, है ना, इसे ही कहते हैं हम लोग, सार्क भी कहते हैं, है ना। और वो किसके कारण होता है? ड्यू टू रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। क्लियर है यहां तक? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी। और फिश की स्टडी क्या? तो आपको पता होगा, फिश की स्टडी को हम लोग बोलते हैं इक्थायोलॉजी। नेशनल फिश रिसर्च इंस्टीट्यूट, इट इज इन हैदराबाद।
फिश के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, एंड फिश का पालन क्या, तो इट इज कॉल्ड पीसी कल्चर। क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सी फिश जो होता है वो हिप्पोकैम्पस, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, विच इज द वनली मैमल दैट कैन फ्लाई, एकमात्र स्तनपाई जो क्या कर सकता है, फ्लाई कर सकता है यानी कि उड़ सकता है। वेल, बैट, हैन और लिजार्ड, कौन सा एक स्तनपाई है जो कि उड़ सकता है? तो ये तो आसान सवाल है, बहुत ही बच्चा वाला प्रश्न है, ये तो बैट है। और ये दोस्तों अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है, अल्ट्रासाउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 किलोहर्ट्स होती है ना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन। अच्छा, कौन सा ऐसा लिजार्ड है जो उड़ सकता है, बता सकते हैं? हाँ जी, कौन सा लिजार्ड उड़ सकता है? बिल्कुल, बैट्स जो होते हैं उनके पास मेमरी ग्लैंड होता है, डेक्रो। बहुत बढ़िया, ठीक है, डेक्रो है ना। और लिजार्ड की भैया स्टडी को क्या बोलेंगे, व्हाट इज स्टडी ऑफ लिजार्ड, डेक्रो है ना, डेक्रो। ये बताइए जो लिजार्ड है उसकी स्टडी को क्या कहेंगे, व्हाट इज स्टडी ऑफ लिजार्ड। हाँ जी, तो स्टडी ऑफ लिजार्ड इज सोरोलॉजी। क्या कहेंगे? सोरोलॉजी। लिजार्ड का जो दोस्तों नाइट्रोजिनस वेस्ट होगा क्या होगा, और लिजार्ड के हार्ट में कितने चैम्बर होंगे, तो याद रखिएगा 3 चैम्बर। क्यों? रेप्टाइल है ना। और इनके बारे में याद रखेंगे, लिजार्ड के बारे में, कि इनका जो एक्सक्रेटरी वेस्ट होगा वो क्या होगा, यूरिक एसिड है ना। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलंबा लिविया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पिजन, स्नैक, रैबिट और सार्क। नमस्कार देवेंद्र जी, सेशन को इसी तरह आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए। कोलंबा लिविया ये दोस्तों क्या है, किसका साइंटिफिक नेम है? पिजन का। किसका है भैया? पिजन का, कबूतर का। इसमें कोलंबा क्या बताता है, ये बताता है जेनेरा। लिविया ये क्या बताता है, ये बताता है स्पीसीज। ये भी आपने याद रखना है ना। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू फिश, इसमें से कौन सा एक ट्रू फिश नहीं है? ये तो आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। सिल्वर फिश, सॉ फिश, हैमर फिश, सकर फिश, विच फिश इज नॉट ए ट्रू फिश? बहुत अच्छे वत्सला जी, वेरी गुड। सारिका जी बहुत अच्छे, देवेंद्र जी अच्छा, बहुत बढ़िया, देवेंद्र जी बहुत शानदार। चलिए, हम लोग जब बात करते हैं इस सवाल की, तो याद रखिएगा यहां पर क्या है, सिल्वर फिश, इट इज नॉट ए ट्रू फिश। बाकी सभी जो है आपका, ये सभी आपके ट्रू फिश हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, रटनी पड़ेगी, नकली असली दोनों रटनी पड़ेगी आप लोगों को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू स्नैक, इसमें से कौन सा एक सही सांप नहीं है? ग्लास स्नैक, सी स्नैक, ट्री स्नैक, ब्लाइंड स्नैक, इसमें से कौन सा एक सही सच में सांप नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें से कौन सा एक सच्चा सांप नहीं है? अभी सांप को दिखाएंगे, आपको देख कर करने लगेगा ये बिल्कुल सांप ही है, लेकिन वो एक्चुअल में सांप होते नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ग्लास स्नेक। अब ये सांप नहीं है तो क्या है आखिर, सवाल ये उठता है ना कि आखिर ये सांप नहीं है तो क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये क्या है, ये एक लिजार्ड की एक कैटेगरी है, लिजार्ड की एक प्रजाति है, छिपकली की है ना। आप देखिए थोड़ा इस सांप को, ये देखिए, कहीं से आप इसे देखेंगे तो आपको क्या लगेगा देख कर कि नहीं ये तो सांप ही है, लेकिन ये सांप नहीं है, ये क्या है, इट इज ए छिपकली, लिजार्ड है ये। क्लियर है पॉइंट, सभी को समझ में आया?
बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन फाइलम ऑर्थ्रोपोडा एक्सक्रेशन टेक्स प्लेस थ्रू, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा में किस अंग से मल त्याग होता है, यह आपसे पूछा जाए। नेफ्रिडिया, फ्लैम सेल्स, मालफिजियन ट्यूबुल्स या फिर गिल्स। ठीक है, सभी लोग इसका उत्तर दीजिएगा। तो यह तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मालफिजियन ट्यूबुल्स, ये देखिए इसका अच्छा चित्र नहीं है क्या, याद रखिएगा ये मालफिजियन ट्यूबुल्स, ये कॉकरोच वगैरह जो होता है उसमें ऐसा ही होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डिस्टिंग्विश मैमल्स फ्रॉम अदर वर्टिब्रेट्स, यानी कि इसमें से कौन सा फीचर किसी मैमल को अन्य वर्टिब्रेट से क्या करता है, अलग करता है, बताइए। मैमल्स स्तनपाई को अन्य वर्टिब्रेट से अलग करेगा कौन? हाँ जी बिल्कुल मिलेगा प्रीति जी, क्यों नहीं मिलेगा, है ना, इंडिया में काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, याद रखिएगा वर्ल्ड में काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी इंडिया में है ना, इंडिया है, अफ्रीका है, इसमें काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है एनिमल एंड प्लांट्स की। यहां पर जब बात करते हैं दोस्तों इस सवाल के, इस सवाल का सही उत्तर है हेयरी स्किन एंड मेमरी ग्लैंड्स, दीज आर द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ मैमल्स। ठीक है, हाँ हमारे देश में सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है दैट इज इन वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स जो है यहां पर सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी है हमारे देश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट मैच ऑफ फाइलम विद देयर थ्री एग्जाम्पल्स, यानी कि इसमें से कौन सा फाइलम और उसके एग्जाम्पल का करेक्ट मैच है, प्लेटीहेलमिंथस, प्लेनेरिया, सिस्टोसोमा, एंटेरोबियस, मोलस्का में लॉलिगोसीपिया, ऑक्टोपस। तो आसान है ना, ये इजी है, हाँ साइलेंट वैली जो है वो केरला में है, जबकि वैली ऑफ फ्लावर्स ये कहाँ पर है, दैट इज इन उत्तराखंड। यहाँ पर जब बात करते हैं दोस्तों तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर है मोलस्का जो है, इसके अंदर आपका ये सीपिया, ऑक्टोपस, लॉलीगो, ये सभी चीज़ें आती है, तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक, सभी को समझ में आ रही है बात, कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, समस्या, दुविधा है तो बताइए। कल आप लोग प्लांट किंगडम को अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म है ना, इसके बाद थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सारी चीजें आपको अच्छे से करके आनी है, कल वहां से आपके सवाल होंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोलस्का के अंदर ऑक्टोपस, सीपिया और ये चीजें आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर दोज विच आर एबल टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर, आपसे कहा जा रहा है कि वार्म ब्लडेड एनिमल कौन होते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं, लोअर देन एनवायरमेंट, पर्यावरण से कम रखते हैं, पर्यावरण से ज्यादा रखते हैं, हर समय कॉन्स्टेंट रखते हैं, इक्वल टू एटमोस्फेरिक टेम्परेचर या एटमोस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर रखते हैं, बताइए। जो वार्म ब्लडेड एनिमल होंगे वो क्या करेंगे, अपने टेम्परेचर को क्या करते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल, गर्म खून वाले जानवर, वो अपने टेम्परेचर को एटमोस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर रखते हैं, दैट इज ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर है ना, वो अपने टेम्परेचर को एटमोस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर रखते हैं, इस चीज को आप याद रखिएगा, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, स्मॉलेस्ट मैन लाइक एप इज, यानी कि सबसे छोटा मानव जैसा सबसे छोटा बंदर होता है कौन, गिबॉन, चिंपैंजी, गोरिल्ला या ओरेंगटुन, उत्तर दीजिए। याद रखिएगा दोस्तों गिबन जो होता है ना, दैट इज स्मॉलेस्ट मैन लाइक एप, इस चीज को याद रखिए। अच्छा ये जो चिंपैंजी होते हैं ये बताइए,
चिम्पैंजी जो होते हैं इनके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? इस चिम्पैंजी के अंदर हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर इन चिम्पैंजी? इन सभी में याद रखिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं दैट इज 48। 48, 23 का आंसर तो बताया ना, क्या है? इक्वल टू एटमोस्फेरिक टेम्परेचर। ठीक है, हाँ, मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल जो होता है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नील गाय बिलोंग्स टू द फॉलोइंग फैमिली। नील गाय किस फैमिली से संबंधित है? नील गाय किस फैमिली से संबंधित है बताइए। हाँ जी, तो याद रखिएगा हिरण की कैटेगरी से, गाय नहीं बल्कि हिरण की कैटेगरी से। कई बच्चों को इस सवाल में समस्या है, नहीं? ये सवाल जिनको समस्या है इस सवाल में वो बच्चे देख लें। ये जो जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट हो उनको हम लोग कहते हैं कोल्ड ब्लडेड, मतलब कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर ही नहीं सकते। ध्यान से समझिएगा इसको, उन्हें कोल्ड ब्लडेड कहेंगे। और जो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करे एटमोस्फेयर के हिसाब से, है ना, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को एटमोस्फेयर के हिसाब से रेगुलेट कर ले उसे क्या कहेंगे हम लोग? वार्म ब्लडेड कहेंगे। तो सही उत्तर डी होगा। क्यों आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं? आ गया सभी को, क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? सारिका जी क्लियर हुआ? हाँ या नहीं बताइए। किसी को डाउट दुविधा परेशानी है तो पूछो। नहीं, चलिए खैर अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस क्या है? ऑर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा या फिर मोलस्का? उत्तर दीजिए। क्या है ये जो ऑक्टोपस है वो क्या है? तो ऑक्टोपस क्या है दोस्तों? मोलस्का होता है। ठीक है, ये देखिए ये ऑक्टोपस है और ये किस कैटेगरी में आता है? मोलस्का में। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। सबसे द लार्जेस्ट इन वर्टिब्रेट इज, सबसे बड़ा अकशेरुकी है ना, सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सा है ये आपको बताना है। हाँ जी, बिल्कुल सविता जादौन जी, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। तो जब बात करते हैं दोस्तों यहां पर सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट वो कौन है? ऑक्टोपस है क्या? नहीं। ठीक, ऑक्टोपस किस में आता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, इट कम्स अंडर मोलस्का। कोरल है क्या? नहीं। कोरल किस फाइलम में आता है बताइए। यहां पर दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? इट्स करेक्ट आंसर इज स्क्विड, है ना। अभी चित्र में दिखाऊंगा स्क्विड का। यह स्क्विड में किस फाइलम में आता है? इट ऑल्सो कम्स अंडर मोलस्का। ठीक है,
ये मूंगा जो है, मूंगा दोस्तों किसमें आता है? कोरल्स, कोरल्स किसमें आते हैं? सेलेंट्रीटा। बहुत बढ़िया, ठीक है। कोरल्स जो है वो किसमें आते हैं? वो आते हैं सेलेंट्रेटा में, ठीक है। यहां पर जब बात करते हैं, ये देखिए, ये है आपका स्क्विड, ये देख रहे हैं, ये है आपका स्क्विड, ठीक है। बिल्कुल आरती जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या है? इट्स करेक्ट आंसर इज स्क्विड, ठीक है। नेक्स्ट है, प्राउन्स बिलोंग्स टू द फाइलम। प्राउन्स किससे बिलोंग करेंगे? अभी अभी आ रहे हैं, एक सेकंड, इस सवाल को देखने दीजिए पहले। प्राउन मतलब झींगा, किस में आएगा? ऑर्थ्रोपोडा में आएगा, है ना। सेशन को दोस्तों शेयर भी करिए, सेशन को आप लोग लाइक भी करें, जितने भी बच्चे देख रहे हैं अधिक से अधिक सेशन को शेयर करिए और लाइक भी करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम एनिमल्स आर मोस्टली फाउंड इन मैरिन वाटर बट फ्यू आर इन फ्रेश वाटर। इनमें से कौन से फाइलम के जानवर ज्यादातर समुद्री पानी में पाए जाते हैं लेकिन कुछ मीठे पानी में भी होते हैं? अभी अभी आ रहे हैं सवाल पर, उस सवाल के ऊपर आ रहे हैं, है ना। मुझे भी बहुत कंफ्यूजन हो गया है उस सवाल में, आएंगे अभी लास्ट में उस सवाल में आते हैं, है ना। पहले इस सवालों का उत्तर दीजिए, आई गॉट ऑल्सो कन्फ्यूज। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या है? इट्स करेक्ट आंसर इज पॉरीफेरा इज द राइट आंसर, ठीक है। जो पॉरीफेरा होते हैं ना, वो आपके समुद्री पानी में भी मिलते हैं और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये तो देखिए, अभी जो उस वो सवाल था ना, है ना, उस सवाल, अभी जो एक सवाल है कोल्ड ब्लडेड, मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, उसके अकॉर्डिंग जो भी आंसर होगा वो आप कर लेंगे। कोल्ड और वार्म, वार्म ब्लडेड जो होता है ये, मतलब कोल्ड ब्लडेड जो होते हैं ना, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं? बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, यानी कि मेंटेन करते हैं, मतलब बढ़ाते घटाते हैं, बढ़ाते घटाते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को, ठीक है। जबकि वार्म ब्लडेड जो होते हैं ये कैन नॉट रेगुलेट, मैंने शायद वहां पर उल्टा कर दिया था, कैन नॉट रेगुलेट, मैंने शायद उधर अभी उल्टा बता दिया था आप लोगों को, क्या कैन नॉट रेगुलेट, यानी कि इनका जो होता है कॉन्स्टेंट होता है वार्म ब्लडेड का, है ना। कोल्ड ब्लडेड जो होते हैं ये रेगुलेट कर पाते हैं अपने टेम्परेचर को, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग अब देख लीजिएगा क्या सही उत्तर है, हो सकता है मुझे कन्फ्यूजन हो गया था या मैंने ही शायद वहां पर उल्टा बता दिया था आप लोगों को, जो भी है चेक कर लीजिएगा उसको। हाँ, ठीक है, हाँ, जो भी है उसे आप करेक्ट कर लेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। विच एनिमल इज अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर दीजिएगा। और इसी तरह सेशन को लाइक भी करें आप लोग, इसी तरह शेयर भी करिए। विच एनिमल इज अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग? कौन सा जानवर छाता के आकार का और मुफ्त में तैरने वाला है? ऑरेलिया, जेलीफिश, हाइड्रा या ANB? यहां पर याद रखिएगा दोस्तों, ये ऑरेलिया एंड जेलीफिश बोथ आर करेक्ट, यानी सही उत्तर आपका ऑप्शन, ये देख सकते हैं चित्र इसका, देखिए लग रहा है ना कितना अच्छा लग रहा है देखने में, छाता ऐसा लग रहा है ना आपको, मतलब आप देख सकते हैं जो हमारे जो तो मतलब जो हमारा समुद्र है ना,
उसमें कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। आप जब अंडमान जाओगे ना, अंडमान के अंदर जब आप सी के नीचे जाओगे, बहुत ज़्यादा आपको डाइवर्सिटी दिखेगी। ऐसे कई सारे जीव जंतु आपको वहाँ पर दिखेंगे, ठीक है। हाँ, बोथ आर सेम, ये ऑरेलिया इसी का जेलीफिश का ही नाम होता है ना, क्लियर है पॉइंट, इसी का ये नाम होता है ऑरेलिया, ठीक है। तो ये देखिए सही उत्तर आपका ऑप्शन डी, क्लियर है यहाँ तक, सभी को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। सेशन को आप लोग लाइक भी करिए सभी बच्चे, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अब हम लोग शेयर भी करते रहें इसी प्रकार। कोरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ, ये देखिए ये कोरल्स हैं, है ना, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये कोरल्स हैं, और इनका जो स्केलेटन बना होता है वो किससे बना होता है, CaCO3, CaPO4, CaCl2, CaSiO2। कोरल्स जो होते हैं इनका जो स्केलेटन होता है वो किससे बना होता है, तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे हम लोग कहते हैं लाइम स्टोन, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया। और विश्व का सबसे बड़ा जो कोरल रीफ है प्रवाल भीति, वो कौन सा है बता सकते हैं, विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आकाश जी, बिल्कुल BMS जी, बहुत बढ़िया। तो याद रखिएगा ग्रेट ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया का, वो आपका विश्व का सबसे बड़ा क्या है, कोरल रीफ है। और हमारे देश में एक लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप, ये जो है दोस्तों क्या है, एक प्रकार का लक्षद्वीप भी जो है ये भी एक क्या है, कोरल रीफ है ना। अच्छा, लक्षद्वीप में टोटल कितने आइलैंड्स हैं, कितने द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जो है ये टोटल कितने द्वीपों का समूह है बता सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। सी हॉर्स इज अ बर्ड, ए मामल, एन एम्फीबियन, अ फिश। 36, वेरी गुड, 36। और 36 दोस्तों किसका एटॉमिक नंबर होता है, क्रिप्टन, क्रिप्टन का 36 एटॉमिक नंबर भी होता है। सी हॉर्स जो है दोस्तों ये क्या है, आपका एक फिश है। अच्छा, ये सी ऑर्किन ये क्या है बता सकते हैं, सी ऑर्किन, हाँ जी बताइए, सी ऑर्किन जो है ये किस फाइलम में आता है, बहुत बढ़िया, किस में आता है, इकाइनोडर्मेटा या इकाइनोडर्म में आता है सी ऑर्किन, है ना, बहुत अच्छे। हाँ, इसी को हिपोकैम्पस भी कहते हैं, बहुत बढ़िया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हिपोकैम्पस। पहले क्वेश्चन में ही शायद हम लोगों ने देखा था, पहला या दूसरा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक लंग्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन, बुक लंग्स जो होते हैं किसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, बुक लंग्स जो होते हैं किसके, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। हाँ बिल्कुल चंदन जी, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, है ना। चलिए, हाँ सी ऑर्किन जो होते हैं वही सी ककम्बर भी होते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए इस सवाल की जब बात करते हैं हम लोग, तो इस सवाल का दोस्तों सही उत्तर क्या है, इट्स करेक्ट आंसर इज, सॉरी नॉट, एरेक्निड्स, एरेक्निड्स जो है इसका सही उत्तर है, बी, बी इज द राइट आंसर, एरेक्निड्स जो होगा ये इसका सही उत्तर, बुक लंग्स, इसे बुक लंग्स ही बोलते हैं, यहां पर तो पुस्तक फेफड़े, है ना। हाँ, एरेक्निड होगा इसका,
ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है एरेक्निड्स के, ठीक है। हाँ जी, और एरेक्निड्स में कौन आते हैं, तो याद रखिएगा जैसे स्पाइडर है आपका मकड़ी, ठीक है। चलिए, हाँ, इंसेक्ट का तो ट्रेकिया या विंड पाइप होता है ना। चलिए नेक्स्ट है, द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज कंटेनिंग फाइलम इन द एनिमल किंगडम इज, आसान क्वेश्चन है ये। है ना, सेशन को सभी बच्चे लाइक भी करें। स्पाइडर को नहीं देखा आकाश जी, स्पाइडर जो होते हैं मकड़ियां जो होती है ना, इसका जो सही उत्तर है वो क्या है दोस्तों, मोलस्का। मोलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, एंड जो सबसे लार्जेस्ट होता है वो कौन सा होता है, तो वो आपको पता होगा, वो होते हैं कौन से, आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं वो सबसे लार्जेस्ट होते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, और मोलस्का में ही क्या आता है आपका, ऑक्टोपस, आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट्स, एनालिडा में क्या आते हैं, एनालिड्स में। हाँ जी बताइए, एनालिडा नेरिस है, अर्थवॉर्म्स हैं, है ना, ये सभी आते हैं एनालिडा के, ठीक। बहुत अच्छे, हाँ एस्केरिस भी है, ठीक, लीच भी है, बहुत बढ़िया। कितनी मतलब प्रजातियां हैं नहीं जीवों की। अगला क्वेश्चन है, चलिए, साइंटिफिक नेम ऑफ स्टार फिशेज, स्टार फिश का साइंटिफिक नेम क्या है, आसान क्वेश्चन, स्टार फिश का साइंटिफिक नेम क्या है बताइए। बिल्कुल डीसी शर्मा जी, बहुत बढ़िया। यहां पर बात करते हैं जब दोस्तों हम लोग स्टार फिश, इसका इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से अभी चित्र भी आपको दिखाया था एक, है ना, जो ये स्टार फिश होता है ना, इसे हम लोग सी स्टार्स भी कहते हैं, ऐसे समुद्र में मिलता है तो इसे सी स्टार्स भी कहते हैं, जनरली स्टार के टाइप का होता है ना, और समुद्र में मिलते हैं इसलिए। और ये किसके अंदर आते हैं, तो याद रखिएगा इनका जो साइंटिफिक नेम होता है दैट इज एस्टेरियस, सबसे पहली बात तो ये, और याद रखिएगा ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो ये आते हैं इकाइनोडोमेटा, इकाइनोडोमेटा, ठीक, इस चीज को भी आप याद रखिए। क्लियर है यहां तक, तो सही उत्तर इसका क्या है दोस्तों, एस्टेरियस सिमेट्री कैसे मिलेगी, तो बिल्कुल रेडियल सिमेट्री। अभी पढ़ा ही था ना इकाइनोडर्मेटा में कैसी सिमेट्री होती है, इकाइनोडर्म्स में कैसी सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री होती है, पढ़ा था ना अभी, हाँ या नहीं बताइए। चलिए यहां तक किसी को कोई परेशानी, चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग लेइंग मैमल इज, यानी कि एक ऐसा मैमल जो एग देता है, अंडे देता है, एक ऐसा मैमल जो अंडे देता है वो कौन है, डेल्फिनस, मैकेक, मोनोट्रिम्स या मार्लोस, मैक्रोलिस। चलिए, एक अंडा देने वाली स्तनधारी कौन सी है, यहां पर कुछ बच्चे, पूजा कुमारी जी होने वाला तो इसी वीक था,
लेकिन इस वीक नहीं हो पाया है तो नेक्स्ट वीक होगा, है ना। इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इट्स करेक्ट आंसर इज मोनोट्रिप्स, ये एग लेइंग मैमल होते हैं। अच्छा, एग लेइंग मैमल जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ये देखिए, ये है मोनोट्रीम, है ना, ये जो देख रहा है ना, ये है मोनोट्रीम, ये आपका अंडे देता है। हाँ, एक्निडा भी होता है, बहुत अच्छे। यहां तक तो किसी को कोई तकलीफ? कल जो हम लोग देखेंगे दोस्तों, कल हमारा जो होगा वो होगा प्लांट किंगडम, याद रखिएगा। कल हम लोग प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन देखेंगे, और कल आपकी 11 बजे जो टीजीटी साइंस वाले बच्चे हैं, टीजीटी साइंस वाले बच्चे याद कर लीजिए, टीजीटी साइंस वाले बच्चे, कल आपका प्रैक्टिस टेस्ट होगा 11 बजे सुबह, हेलो टीचर्स पर ही, इसी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। और परसों 1 बजे दोपहर में होगा टीजीटी साइंस वालों का प्रैक्टिस टेस्ट, संडे को 1 बजे दोपहर में, और 11 बजे संडे को अनअकैडमी के ऐप पर, 11 AM पर संडे को क्लास होगी टीजीटी बायोलॉजी वालों की, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। कीटों, इंसेक्ट्स हैव हाउ मेनी पेयर ऑफ लेग्स, कीटों को कितने जोड़े पैर होते हैं? कीटों के कितने जोड़े पैर होते हैं? 13, 3, 6, 12। कल मिक्स प्रैक्टिस टेस्ट होगा साइंस वालों का, टीजीटी वालों का 11 बजे, और यहां पर कल 3 बजे हम लोग प्लांट किंगडम से रिलेटेड सवाल देखेंगे। तो दोस्तों कितने पैर होते हैं? 3 पैर होते हैं। 13 जोड़ी क्या होती है? 13 क्या होते हैं दोस्तों? 13 चैम्बर होते हैं किसके हर्ट में? 13 चैम्बर होते हैं हर्ट में किसके? कॉकरोच के, ठीक है। तो सही उत्तर क्या है भाई साहब? बी, 3 पेयर इज द राइट आंसर, ठीक है। टोटल कितने होंगे? 6 होंगे। यहां तक किसी को कोई समस्या परेशानी है तो बताइए। सारिका जी, टीजीटी बायो का भी, उसमें बायो के भी सवाल होंगे, है ना, कल जो सेशन होगा बायो फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों के मिक्स क्वेश्चन होंगे, कल भी होगा 11 बजे और परसों भी होगा 1 बजे, दोनों दिन होगा, ठीक है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही रखेंगे, किसी का कोई डाउट समस्या परेशानी है तो पूछ लो, किसी का कोई डाउट दुविधा समस्या परेशानी है तो पूछ लीजिए। बाकी कल का शेड्यूल आपको पता है, कल आपका 11 बजे सुबह क्या होगा? 11 बजे सुबह टीजीटी वालों का प्रैक्टिस टेस्ट होगा इसी चैनल पर, 1 बजे आपका अनअकैडमी के ऐप पर क्लास होगा 1 PM पर, और 3 बजे फिर यहीं पर मिलेंगे एट 3 PM, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, जिसमें हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे प्लांट किंगडम से रिलेटेड सवाल, प्लांट किंगडम से रिलेटेड सवाल, ठीक है। चलिए, मतलब प्रदीप सिंह जी, वो मैं मिक्स बोल रहा हूँ, तो मिक्स का मतलब उसमें बायो भी होगा, फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा। हाँ, बात ठीक है आपका, लेकिन वहां पर बायो फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों होगा मिक्स, ठीक है। थैंक यू निशि जी, चलिए, थैंक यू सो मच। तो हम लोग मिलते हैं फिर से कल, तब तक के लिए सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है, आप लोग सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को आप लोग दोस्तों सब्सक्राइब कर लेंगे जिन्होंने नहीं किया है। हेलो टीचर्स टेलीग्राम चैनल है, हेलो टीचर्स टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। एंड दिस इज माय कोड, ये कोड है, आप इस कोड को जब भी अपन अकेडमी से कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं, इस कोड को यूज कर आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग फिर से। स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड जो है पिट्यूटरी है, सविता जी, सविता जादौन जी, है ना। मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल, हीना शर्मा जी, तो ह्यूमन ही होगा ना मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल, ठीक है। धन्यवाद प्रदीप सिंह ठाकुर जी। हाँ सविता जी, बता तो दिया,
पिट्यूटरी ग्लैंड है, चलिए ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं फिर से। चलिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।